और भाई और बहनों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले प्रिंटर की हम वायर को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमने प्रिंटर की वायर है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। इसके बाद हमने इसका जो ड्राइवर या सीडी है इसको इंस्टॉल करना है। तो मैंने इसका माई डॉक्यूमेंट में इसका ड्राइवर डाउनलोड किया है, डाउनलोड के अंदर होगा। तो ये प्रिंटर है SCX, तो इस प्रिंटर के सैमसंग का है। इसको मैंने ओपन कर दिया और यस और नेक्स्ट, यस टू ऑल। तो ये वाला ड्राइव पूरा नहीं है, एक ड्राइवर और ऐसे। ये ड्राइवर है, ये 54 MB का। इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले ओपन करना है, उसके बाद यस करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। अब ये जो मैसेज दे रहा है, ये कह रहा है कि आप अपने USB इसको कनेक्ट करो। तो अब हम क्या करते हैं, ये केबल है, इसके USB केबल को हम कंप्यूटर में लगाते हैं। कंप्यूटर में लगाते ही ये ऑटोमेट डिटेक्ट करे, ये बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर है इसके अंदर ये मॉडल है। तो ये हमने सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। चाहे कोई भी प्रिंटर है तो उसका ड्राइवर हम सेम इंस्टॉल करते हैं। तो सभी ने सबसे पहले क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर दिया और फिर हमने नेक्स्ट। तो अब ये प्रिंटर इंस्टॉल हो रहा है। तो इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि हम प्रिंटर का ड्राइवर कैसे डालते हैं। प्रिंटर का ड्राइवर डालने से पहले हम CD लेते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हम उसकी केबल तब लगाते हैं जब वो प्रिंटर कहते हैं कि आप केबल को कनेक्ट करो, USB केबल को। तो अब ये कह रहा है कि आप टेस्ट पेज, तो मैंने इस पर टिक कर दिया, अब टेस्ट पेज के लिए दे दिया नेक्स्ट, यस, फिनिश। तो फिनिश। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हमने प्रिंटर का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम उससे प्रिंट देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और ये आ गया आपका टेस्ट पेज, ये आप देख रहे हैं, ये आपका टेस्ट पेज है, सैमसंग का है। तो ये टेस्ट पेज है।